हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे से मेरी मोटी बहन देखो क्या कर रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग हैदराबाद में हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ घर का ज़रूरी सामान लेने। वैसे हम सब, मेरी पूरी फैमिली आई है हैदराबाद में मुझे ड्रॉप करने। पापा बोल रहे हैं जाओ, पापा बोल रहे हैं तुम्हें पहुँचाने के लिए हमें आना पड़ा, नहीं तो जाती नहीं हमारे घर से। तो हम अभी डी मार्ट जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ का रोड, आपको यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। गुग्गू अभी सो रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड से तो कुछ अच्छा चीज लिया नहीं जाता है इसलिए। तो चलो अगर होगा तो मैं मॉल में भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। और यहाँ का डीमार्ट अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पे हमें कुछ भी लेना होता है तो हम डीमार्ट से लेते हैं या फिर पास में। डीमार्ट यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है तो इसीलिए महीने में एक बार जाना होता है, वरना ऐसे ज़रूरी सामान के लिए तो पास में है रिलायंस, तो वहाँ से ले लेते हैं। तो चलो चल देखते हैं आगे, अगर होगा तो मैं दिखाऊँगी। मम्मी को वीडियो बनाना तो हम सब डीमार्ट से वापस आ गए हैं। फिर हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे एक जगह घूमने, क्योंकि मम्मी पापा आए हैं तो उन्हें भी घुमाना है। मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ आए हैं। ये है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, हम यहाँ घूमने आए हैं। ये हैदराबाद में लोकेटेड है और ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊँगी, पहले मुझे खुद पता तो चल जाए फिर मैं आपको बताऊँगी। और वहाँ बुक्कू अपने नाना के साथ घूम रहा है, मैं बाद में आपको इसका डिटेल्स में बताऊंगी कि मुझे अभी खुद भी नहीं पता है। ऐसा सुना हुआ है कि यहाँ पे 101 102 विष्णु के अवतार हैं, तो इसलिए देखते हैं कितना बड़ा है और अंदर में जाके देखते हैं। ये है श्री रामानुजाचार्य और उन्हीं के नाम पर ये पूरा इतना बड़ा एरिया बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप हैदराबाद में हो तो यहाँ पर एक बार आओ, बहुत बहुत बड़ा एरिया है और लाइटिंग वाइटिंग सब। अगर आना हो तो आप सब शाम को आना, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग्स का बहुत अच्छा है और ये शाम को, रात को 8 बजे बंद होता है। हम भी अभी 7 बजे 7:30 बजे आए, ठीक नहीं लगेगा तो नहीं आओगे। तो हमारा घुमा हो गया है और फ़ोन अंदर में अलाउड नहीं था इसीलिए थोड़ा सा भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। पापा हटिए ना, हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है और ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर 108 मंदिर है विष्णु भगवान का, 108 अवतार में यहाँ पर उनका मूर्ति है। और जो मेन है श्री रामानुजन आचार्य जी का, तो वो पूरा उनका जो मेन मूर्ति है ना, वो पूरा सोने का बना हुआ है। आपको डायरेक्ट मूर्ति का दर्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको पूरा 108 मंदिर का चक्कर काट के आना पड़ेगा, तब मेन आपको मंदिर का दर्शन होगा। अगर आप हैदराबाद में आते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम जहाँ पे भी घूमे हैं, जहाँ पे भी मंदिर या कोई भी टूर प्लेस पे गए हैं, तो वहाँ पर वो सब जगह में से ये जगह सबसे बेस्ट अभी तक मुझे लगा है। यहाँ पे पूरा वो आचार्य जी का जो मंदिर है वो पूरा सोने का बना हुआ है। और यहाँ पे मेरा गुग्गू थक के सो चुका है, मैं भी थक, हम सब थक गए। यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, घूमते घूमते हालत ख़राब हो गया है। और यहाँ पर एक फाउंटेन भी था, वो म्यूज़िक पर वो फाउंटेन इतना अच्छा लगा, वो फाउंटेन का
प्रोग्राम देख के बहुत मज़ा आया। यहाँ पर पूरा मज़ेदार है, यहाँ पे आना, यहाँ पे विज़िट करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।